अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राफेल डील से लेकर जीएसटी और किसान सम्मान निधि योजना तक वार किया। राहुल गांधी ने जीएसटी से कारोबारियों को नुकसान पहुंचने का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की इस भयंकर गलती के लिए मैं आपसे उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं। उन्होंने भयंकर गलती की है और इस गलती को हम सही करेंगे। और आप सब सुन लीजिए, ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, 5 अलग अलग टैक्स जो किसी को समझ नहीं आता, इसको हम सच्चे जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, साधारण टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आपका जो नुकसान हुआ है, आपका जो आपको जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ पे माफी मांगता हूं कि उन्होंने ऐसी गलती की, भयंकर गलती की। और जो उन्होंने गलती की उसको सही हम करेंगे आपके लिए। राफेल का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने अनिल अंबानी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो शख्स कागज का हवाई जहाज नहीं बना सकता, उसे पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा दे दिया है। क्या अपनी जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज बनाया है? एक हवाई जहाज बनाया है? मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। राहुल ने कहा कि जब सीबीआई चीफ जांच की बात कहते हैं तो रात को 1:30 बजे पीएम मोदी उन्हें हटा देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उन्हें वापस लाया जाए तो भी पीएम मोदी उन्हें फिर हटा देते हैं। सीबीआई चीफ कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। भाई और बहनों, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे निकाल देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये आपने गलत किया, इसे वापस लाओ। सीबीआई चीफ को वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटों में नरेंद्र मोदी उसे फिर निकाल देता है। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का जिक्र करते हुए भी पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा, भुवन चंद्र खंडूरी ने संसद की रक्षा कमेटी में राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल पूछ लिया कि जो ताकत सेना के पास होनी चाहिए वो नहीं है। खंडूरी जी ने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी ने उस कमेटी से खंडूरी को हटा दिया। खंडूरी जी के पिता, आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना? ठीक है, आपको मालूम है कि खंडूरी जी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, मालूम है आपको? अब खंडूरी जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए दी, और मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सवाल पूछ लिया, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पूछा, सच्चाई बोली कि जिस प्रकार से सरकार को सेना की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार के हथियार सेना के हाथ में होने चाहिए, जो प्रिपरेशन सेना का होना चाहिए वो नहीं है, और खंडूरी जी ने सच्चाई बोली। क्या हुआ? खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया।
राहुल ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने यहां कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।